गाइस यार ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ यार, मेरे कॉलेज के बैचमेट ने मेरे को बोला, राकेश ने, कि यार भाई वीडियो बना यार, ऐसी थोड़ा रिकमेंडेशन दे दे यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, योर विशेज माई कमांड, ले आए ये तुम्हारे लिए मूवी वेब सीरीज सबका रिकमेंडेशन लाया हूँ यार, देख लो पूरी वीडियो, अच्छा रिकमेंडेशन दिया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर कैसे हो? आई होप आज 5 तारीख है एंड सभी ने यार नेटफ्लिक्स के स्ट्रीम फेस्ट में साइन अप करके भाई मज़े लूट रहे होंगे। तो भाई मैं आ गया हूँ सारी मूवी सीरीज और एनिमे सब कुछ रिकमेंड करने के लिए कि भाई क्या देख सकते हो, जिन लोगों को भाई एकदम नेटफ्लिक्स खुला होगा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बहुत रिकमेंडेशंस आएंगी नेटफ्लिक्स के ऊपर कि क्या देखो। 2 दिन का टाइम है भाई, नेटफ्लिक्स मिला है तो प्लीज़ क्वालिटी कंटेंट देखना, वो मैं तुमको रिकमेंड कर दूंगा। यहाँ पे क्या क्या देख सकते हो एकदम 2 दिन में, अंधे मत होके कुछ भी मत देखना वरना कुछ भी नहीं देख पाओगे, होता है ना, लाइक बहुत कुछ देखने के चक्कर में कुछ भी नहीं देख पाओगे। सो अब जो जो मैं रिकमेंड करूँगा हर जॉनर के हिसाब से, थ्रिलर, कॉमेडी, साइंस फिक्शन, रोम कॉम, सीरीज, एनिमे, सब रिकमेंड करूँगा और जो आपको सूटेबल लगे वो देखो, है ना, जो भी खुद की पसंद होना यार वो देखना। ऐसा नहीं कि भाई दोस्त एनिमे देख रहा है तो खुद भी एनिमे देखना चालू करें, नहीं, अगर सस्पेंस थ्रिलर पसंद है वो देखो, रोम कॉम पसंद है वो देखो यार, जो मन करे वो देखो यार, नेटफ्लिक्स 2 दिन के लिए है, देखो। सो यार सबसे पहले यार सस्पेंस थ्रिलर्स से चालू करना चाहता हूँ, लिस्ट बहुत लंबी इसलिए मैंने लिख के रखे हैं। सबसे पहली मूवी है रात के लिए, नवाज भाई की मूवी है, थोड़ी लंबी लग सकती है कुछ लोगों को स्क्रीन प्ले की वजह से, लेकिन बहुत अच्छी मर्डर मिस्ट्री है। फिर द कॉल, द कॉल अभी कोरिया की अभी रिलीज हुई है, सो वो एक थोड़ी अजीबोगरीब मूवी है, वो भी बहुत ही मज़ेदार है। बदला भाई साहब, बदला तो यार तापसी पन्नू ने, अमिताभ सर ने तो क्या एक्टिंग करी है यार, ज़बरदस्त। बदला एक रीमेक है फॉरेन की मूवी का, द अनवांटेड गेस्ट का, सो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी लगता, क्या मस्त मसाला है, क्या एक्टिंग करी है, फैन। अब बदला का रिव्यू बन रहा है धीरे धीरे, तो सॉरी। ठीक है, बर्ड बॉक्स देख सकते हो, बर्ड बॉक्स एक बहुत अच्छी अलग हटके जो मूवी देखी है मैंने वो है बर्ड बॉक्स। मतलब ऐसा कोई क्रीचर बाहर घूम रहा है, अगर अपनी आंखें खोलोगे तो तुम मर जाओगे, वो क्रीचर को नहीं देख सकते, तो भाई बहुत अच्छी है बर्ड बॉक्स। रॉ, रॉ यानी रोमियो अकबर वॉल्टर, जॉन अब्राहम की मूवी है, थोड़ी लंबी है मूवी, थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन एक अच्छी थ्रिलर मूवी मैं कहूँगा, जॉन अब्राहम की है तो यार एक्शन से भरपूर है, थोड़ा वो एक्शन भी मिलेगा। द साइलेंस बहुत अच्छी से है, द साइलेंस मूवी, इसमें भी थोड़ा सा क्रीचर वाले हैं, मॉन्स्टर वॉन्स्टर क्रीचर, आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे वाली है ये मूवी। गॉन गर्ल भाई, रोजनमंड पीक और बेन एफ्लेक, भाई गॉन गर्ल का मैंने रिव्यू कर दिया है, मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हो, थोड़ी सी साइकोटिक थ्रिलर है ये मूवी। मनी मॉन्स्टर, मनी मॉन्स्टर बहुत अच्छी लगती है मेरे को, मनी मॉन्स्टर का प्रेमाइस जैसे ही मैंने सुना था भाई, मैंने तो सोच लिया था कि ये मूवी मेरे को देखनी है नेटफ्लिक्स से, कुछ भी हो जाए। मनी मॉन्स्टर का क्या है, मनी थोड़ा सा जल्दी से प्रेमाइस देता हूँ कि एक आदमी रहता है वो ऑन रोज़ उसका टीवी शो चलता है और वो आपको बताता है कि कहाँ आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बढ़ाने के लिए, लेकिन एक आदमी ऐसे ही करता है, वो अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करता है लेकिन वो उसके सारे पैसे डूब जाते हैं, तो वो आता है लाइव शो में, वो होस्ट को हॉस्टेज बना लेता है, ओहो, और हर कोई लाइव देख रहा है टीवी, और वो बोलता है कि मेरे पैसे वापस कर, ऐसा बहुत ही टेंशन वाली मूवी है, मज़ा आएगा, अच्छी थ्रिलर मूवी है मनी मॉन्स्टर। गेम ओवर भाई तापसी पन्नू की अनदर मास्टरपीस है, गेम ओवर नाम से ही समझ में आ रहा है, गेम ओवर और अलग मूवी है, कुछ स्टोरी का प्रेमाइस नहीं दे रहा हूँ, एकदम चालू कर जाना गेम ओवर अगर मन है तो, बहुत अलग हटके मूवी है यार। तलाश, आय हाय हाय हाय, तलाश आमिर खान करीना कपूर की बहुत ही अच्छी मूवी मैं कहूँगा, एंड तलाश का यह है कि यार मूवी स्ट्रेट चलती रहती है लेकिन एंड में जो ट्विस्ट आता है ना वो पूरी मूवी घुमा देती है कि ओ भाई ये क्या हो गया एकदम से, एंड वाला ट्विस्ट तो बेस्ट है भाई, मैं एंड वाले ट्विस्ट के लिए मैं कितनी बार भी तलाश मूवी देख सकता हूँ। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एक बहुत ही तगड़ी मूवी है, प्लेटफॉर्म का जैसे ही मैंने स्टोरी प्रेमाइस सुना था मुझे बहुत अच्छी लगी थी मूवी, एंड ज़्यादा नहीं बताऊँगा मूवी के बारे में लेकिन देख लो यार। सेवन, सेवन बहुत ही अच्छी है, हमारे मॉर्गन फ्रीमैन और ब्रैड पिट की, और इसमें कुछ सेवन सिंस वाला कुछ कॉम्बिनेशन है, ग्रीड, लस्ट और पता नहीं, जो क्रिश्चियन लोग होंगे शायद उनको समझ आएगा सेवन सिंस क्या होते हैं, मेरे को एक्चुअल में पता है नहीं इतने। रिबेका, रिबेका मूवी भी मेरे को देखनी है, मैंने सोच के रखा कि मैं शाम को देखूंगा रिबेका का, मेरे को स्टोरी प्रेमाइस बहुत अच्छा लगा था कि एक कपल आता है एक घर के अंदर, जो फीमेल रहती है यानी हीरोइन दिखाई है, उसको लगता है कि मेरे पति की पुरानी वाइफ उस घर में हॉन्टेड है, उसका साया है, तो क्या वो रियल में उसका साया है घर में या नहीं है, वो तो यार मूवी देखने के बाद ही पता चलने वाला है। द कॉल ये दूसरी है, द कॉल लेकिन ये पहले पुरानी वाली है द कॉल, ये इसका है कि
एक लड़की किडनैप हो जाती है कार के अंदर, और वो फ़ोन करके बताती है कि मैं किडनैप हो गई हूँ। और बहुत ही टेंशन से भरी हुई मूवी है, बहुत ही अलग हटके मूवी है। दो कॉल है, मतलब सॉरी दो मूवीज है जिनका नाम है द कॉल। एक अभी रिलीज हुई है रिसेंट में, कोरिया की है, और एक पुरानी है अमेरिका की। सो दोनों का थोड़ा स्टोरी प्लॉट अलग अलग है लेकिन नाम सेम है, तो जो मन करे वो देखना। सर्कल, सर्कल का मैंने रिव्यू कर चुका है चैनल पर, देख लो। लेकिन सर्कल बहुत ही बॉक्स से अलग हटके है यार सर्कल मूवी, मतलब दिमाग घूम जाएगा। 50 लोग एक सर्कल के में खड़े हैं और एक दूसरे को वोट करना है कि कौन पहले मरेगा। कोई भी हो सकता है। धीरे धीरे जैसे लोग कम होने लगते हैं तो भाई बहुत लड़ाई वड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, तो मज़ेदार है सर्कल मूवी। जेराल्ड गेम, जेराल्ड गेम का तो ओहो भाई, जैसे ही मैंने उसका ट्रेलर देखा था, ट्रेलर देख के मुझे बहुत प्यार हो गया था। थोड़ा स्टोरी का प्रेमाइस दे देता हूँ। एक कपल एक सुनसान जगह जाते हैं थोड़ी सी मस्ती करने के लिए, तो वहाँ पे हीरोइन को हैंडकफ से बांध देता है हमारा हीरो, और भाई हीरो को शायद हार्ट अटैक वार्ट अटैक आता है और वो निपट जाता है वहीं। और हमारी हीरोइन बंदी पड़ी है, पूरा सुनसान है। अब क्या होगा मूवी में वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा स्टोरी प्रीमाइस लगा था जेराल्ड गेम का। भाई अब साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस फिक्शन वाले फैंस के लिए प्रोजेक्ट पावर दे सकते हो, एक अच्छी मूवी, डिसेंट मूवी, जिसको कहूँगा रेडी प्लेयर वन, एक अच्छी मूवी वो भी है, मेरे को देखी है मैंने पहले, एंड मेरे बहुत दोस्तों ने रिकमेंड करी थी इसलिए मैंने देखी थी। लूसी, भाई स्कारलेट जोहानसन अलग ही लेवल है उनका, और दिखाती है ये मूवी अगर भाई इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज़ करेगा तो वो क्या हो सकता है। बढ़िया, बॉक्स से अलग हटके है लूसी। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नहीं देखा तो भाई तुम लोगों ने क्या देखा है, कियानू रीव्स की भाई मैट्रिक्स एवरग्रीन है वो। ग्रेविटी, ग्रेविटी ओहो बहुत अच्छी है ग्रेविटी मूवी, एंड मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ ग्रेविटी को टीवी पे देखना, बहुत अच्छे विजुअल्स हैं ग्रेविटी के, मज़ा आ जाएगा देख के। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट यार बहुत अलग हटके है मूवी, मेरे एक दोस्त आदित्य ने मेरे को ये मूवी भेजी थी, एंड बहुत एक अलग है कुछ इनका, अलग ही एक डायमेंशन चल रहा है उसमें, अलग ही इनके लोग हैं और अलग हटके बॉक्स से बहुत अलग हटके डाइवर्जेंट देख सकते हो। इंसर्जेंट, मैंने इसका पार्ट टू भी आया, मैंने उसको आधी ही देखा है, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया लेकिन वो भी बहुत अच्छे लगे। प्लीज़ वॉच डाइवर्जेंट। और हमारी भैया 2012 बहुत पहले भाई जो स्टार्टिंग में हुआ था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इसमें बिल्कुल दिखाया दुनिया कैसे खत्म हो जाए वाली है, तो देख सकते हो ये मूवी। सो यार हॉरर फैंस वालों तुम्हारे लिए आ गया हूँ, बेबी सिटर 1 देख सकते हो, बेबी सिटर 2 भी देख सकते हो। ये हॉरर कॉमेडी है, हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है, बहुत मजा आने वाला है। बेबी सिटर 1-2 में मैंने 1 ही देखी है, 2 मैंने देखी नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने बताया भाई 2 बहुत ज़बरदस्त मूवी है। मैंने कहा ठीक है भाई 2 भी देख लेंगे, उसका भी रिव्यू कर देंगे। फिर आती है कैरी, कैरी भी बहुत अलग हट की मूवी है कि भाई एक लड़की को अगर सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो लड़की सबसे बुली होती थी, मतलब उसको एकदम लाइक बहुत बुली होती थी वो लड़की, हर कोई उसको बुली कर रहा है, तो जब उसको सुपर पावर मिल जाएगी तो वो लड़की क्या मचाएगी, बहुत अलग हटके है कैरी मूवी। फिर है गो स्टोरीज, यस गो स्टोरीज की थर्ड कहानी जो है, दिवाकर बनर्जी की कहानी जो है गो स्टोरीज की, बेस्ट है भाई, मैं देख के शॉक हो गया था, बहुत अच्छी लगी थी कहानी। एंड बाकी तीनों कहानी बर्बाद है, लोग जो करण जौहर की है, जोया अख्तर की है, एंड अनुराग कश्यप की है, तीनों कहानियाँ बर्बाद है। एंड मेरा भाई एक थोड़ा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ, मैं रात को देख रहा था एंड स्टार्टिंग में आती है आई गेस ये जोया अख्तर की आती है और हाँ अनुराग कश्यप की आती है, दिवाकर बनर्जी की थर्ड नंबर की थी, तो मैं रात में देख रहा था और दोनों मेरे को बकवास लगी, ठीक है। सो मैंने कहा अबे ठीक है यार चलो दिवाकर बनर्जी की चालू करता हूँ, और एकदम रात में सन्नाटे में देख रहा था मैं, और दिवाकर बनर्जी की कहानी में एक दो विजुअल से भाई मैं एकदम यूँ हिल गया था, मेरी पड़ गई थी। मैंने कहा अरे भाई क्या रात में चालू कर लिया मैंने, ये बहुत अलग हटके है, ये इंडियन वर्जन ऑफ जोम्बी वो है कहता हूँ, थोड़ा सा थोड़ी सी स्टोरी प्रिमाइज दे दी है, इंडियन वर्जन ऑफ जॉम्बी, इन्फेक्टेड जॉम्बीज, अजीब सी चीज़ है ये। देखो दिवाकर बनर्जी की थर्ड स्टोरी गोस्ट स्टोरीज में मिल जाएगी थर्ड नंबर वाली, बाकी तीनों मत देखना। और जो जॉम्बी फैंस हैं उनके लिए जॉम्बी मूवी वेब सीरीज सब रिकमेंड कर देता हूँ। मूवी है हैशटैग लाइफ, भाई एक घर में बंद पड़ गए हो तुम और बाहर जॉम्बी अपोकलिप्स हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर एक घर में फंसे पड़े हो बाहर जॉम्बी अपोकलिप्स कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड वॉर जी है हमारे ब्रैड पिट की, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी। एंड बेताल, बेताल एक सीरीज़ है, 4 एपिसोड की सीरीज़ है, इंडिया की फर्स्ट जॉम्बी वेब सीरीज़ है, प्लीज़ वॉच बेताल भाई, बहुत अच्छी है यार बेताल, एपिक, ये ज़बरदस्त है। रोम कॉम वालों यार बहुत देर से सोच रहे हो गए यार भाई एक्शन वैक्शन जॉम्बी वॉम्बी हॉरर बहुत हो गया, अब रोम कॉम वालों के लिए आ गया हूँ मैं। रोम कॉम के लिए भाई नंबर 1 की मूवी है परफेक्ट डेट, बहुत अच्छी मूवी लगती है मेरे को परफेक्ट डेट, एंड परफेक्ट डेट ही एक ऐसी मूवी है परफेक्ट डेट की जो लाइक मेन एक्ट्रेस है लाना मुरानो,
उनको जब मैंने भाई मूवी देखा था वो इतनी क्यूट लगी थी मेरे को, मैंने मूवी को पॉज करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करा था ढूंढ के कास्ट में से, नाम जो मैंने आज तक किसी एक्ट्रेस के लिए नहीं किया है, थोड़ा सा पर्सनल हो गया लेकिन सॉरी। बहुत अच्छी लगती है मेरे को, परफेक्ट डेट मेरे दिल के बहुत करीब है मूवी। टू ऑल द बॉयज़ आई हैव लव बिफोर एंड टू ऑल द बॉयज़ पीएस आई स्टिल लव यू, ये दो पार्ट है मूवी के, टू ऑल द बॉयज़ वन एंड टू ऑल द बॉयज़ टू। बहुत अच्छी है स्टोरी प्रीमाइस देते हैं, एक लड़की है उसने अपनी लाइफ में जब भी उसको जिस भी स्टेज पे कोई लड़का पसंद आता है वो एक लव लेटर लिखती है उसको, लेकिन उसने कभी उसको पोस्ट नहीं करा है। और एक दिन वो सारे लव लेटर्स पोस्ट हो जाते हैं और सारे लड़के आते हैं कि अरे भैया तुमको इतनी फीलिंग्स थी तो बताया क्यों नहीं। और वो लड़की जो फंसती है उन सबके बीच में, बहुत मज़ेदार है। लाना कॉन्डोर ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, बहुत क्यूट लगती है यार लाना कॉन्डोर, बहुत प्यारी है लाना कॉन्डोर। फिर किसिंग बूथ वन एंड टू बहुत ही अच्छी है, किसिंग बूथ वन एंड टू फ्रेंडशिप के साथ साथ एक लव ट्रायंगल वाला भी सीन दिखाते हैं हमको इसमें, बहुत मज़ेदार है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को उसकी लेंथ के साथ लग रही थी, थोड़ी मेरे को लंबी लग रही थी मूवी, थोड़े से शॉर्ट कर सकते थे मूवी को, लेकिन बहुत अच्छी मूवी कहूँगा किसिंग बूथ वन टू, जाओ देख लो। 5 Feet Apart बहुत अच्छी है यार मूवी, यार बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये मूवी। ज़्यादा नहीं बताऊँगा मूवी के बारे में कि ऐसा है मूवी का कि शायद हीरोइन को एक डिजीज़ हो चुका है जिससे उन दोनों को दूर ही रहना है 5 Feet, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोचो यार आप किसी से प्यार करते हो आप उसको हग भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, दूरी बना के रहना तो कैसा लगेगा। बहुत अच्छी यार ये मूवी 5 Feet Apart। गिन्नी वेड्स सन्नी, आए हाय हाय हमारे बबलू भैया विक्रांत पैसी एंड यामी गौतम की अच्छी फैमिली एंटरटेनर मूवी है, फैमिली के साथ साथ देख सकते हो गिन्नी वेड्स सन्नी, मज़ा आएगा देखने में। और अल्लाह वेखुंथा पुरामालू हमारे अल्लू अर्जुन द ग्रेट अल्लू अर्जुन और पूजा क्यूट पूजा हेगड़े की मूवी है, ये बहुत अच्छी मूवी है, इसका मैंने बहुत नाम सुना हुआ है। और इसका एक हिंदी रीमेक भी बन रहा है, उसको कार्तिक आर्यन करेंगे और मैं इतना फेवर में नहीं उस रीमेक के, सो भाई प्लीज़ मत करो यार, इतने अल्लू अर्जुन और कार्तिक आर्यन कहाँ हैं। लेकिन ये मूवी मैं सोचा है कि मैं वीडियो शूट होने के बाद ही चालू करने वाला हूँ, मूवी के बारे में बहुत सुना इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अच्छी मूवी है जाओ देख। भाई सारे जॉनर हो गए, कॉमेडी कहाँ है, कॉमेडी आ गया ना भाई तुम्हारे लिए। सबसे पहले भाई जॉनी इंग्लिश के तीनों पार्ट अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, मैंने से पार्ट वन और पार्ट टू देखा, तीसरा मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो भी तीसरा बड़ा मज़ेदार पार्ट होगा। जॉनी इंग्लिश में है हमारे भैया मिस्टर बीन, रोवन एटकिंसन, तो कॉमेडी तो भर के पड़ी है। मेरा फेवरेट है पार्ट सेकंड, मैंने थर्ड फर्स्ट देखा है, थर्ड नहीं देखा है, लेकिन मेरे को पार्ट सेकंड मेरा फेवरेट है, बहुत मज़ेदार कॉमेडी उसमें। मर्डर मिस्ट्री का प्रेमाइस सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा था, एक कपल एक थोड़ा सा घूमने गए हैं वेकेशन पे अपने शिप पे और शिप पे एक मर्डर हो जाता है, तो फिर क्या मस्त मज़ा आएगा उस मूवी में, तो वो तो बढ़िया पिक्चर है मर्डर मिस्ट्री। लूडो देख सकते हो भाई, जिनने लूडो नहीं देखा मेरे चैनल पे मैं रिव्यू कर चुका हूँ, जाके देखो लूडो को, बढ़िया थोड़ी सी डार्क कॉमेडी है लेकिन अच्छी मूवी है, सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं और अनुराग बासु ने लूडो के गेम को लाइव से बहुत अच्छे से रिलेट करके समझा दिया है। शेज़ाम देख सकते हो, आई हाय डीसी यूनिवर्स ने भाई शेज़ाम से क्या कमबैक करा है अपना, बहुत अच्छी लगती है मेरे को शेज़ाम, बहुत फनी है, बहुत कॉमेडी है, गो एंड वॉच शेज़ाम। बेबी ड्राइवर, आई है बेबी ड्राइवर, बहुत लोग सोच रहे हो कि भाई एक्शन में भी आती है, यस एक्शन में भी आती है बेबी ड्राइवर और कॉमेडी भी है बेबी ड्राइवर, दोनों जॉनर्स में आती है। बेबी ड्राइवर बहुत अच्छी है, एमएक्स प्लेयर पे फ्री में भी अवेलेबल है अगर नेटफ्लिक्स का अकाउंट नहीं मिल पाया, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने शायद कुछ लिमिट करी थी कि भाई इतनी लिमिट लोग आएंगे अंदर, तो शायद अगर ऐसा हो रहा है तो एमएक्स प्लेयर पे भी अवेलेबल है बेबी ड्राइवर फ्री में, हिंदी में जहाँ वहाँ भी देख सकते हो, लेकिन आई एक्सपेक्ट कि नेटफ्लिक्स चालू हो गया होगा। हैंगओवर देख सकते हो, आए हाय हैंगओवर के बारे में जितनी बात करें कम है, जितनी बार भी मेरे को दिखाओ मैं देख सकता हूँ हैंगओवर। एंड इसका हैंगओवर का पार्ट टू और पार्ट थ्री भी आया, मैंने पार्ट टू देखा है मेरे को इतना मज़ेदार नहीं लगा, और थ्री भी मैंने देखा नहीं है, लेकिन पार्ट वन को जितनी बार भी दिखाओ मैं देख सकता हूँ, बहुत मज़ेदार है हैंगओवर। और अगर हैंगओवर नहीं देखी है भाई तुमने क्या करा है ज़िंदगी में, प्लीज़ वॉच हैंगओवर। हैंगओवर के बाद आती है द डिक्टेटर, आए हाय हाय डिक्टेटर भाई अलादीन माधव, जब भी डिक्टेटर का नाम सुनता यही गाना आ जाता है मेरे को दिमाग में, बहुत अच्छी है डिक्टेटर, यानी समझ लो डिक्टेटर नाम से ही समझ आ रहा है, एक हमारा सबको देखी होगी डिक्टेटर में, एक्सपेक्ट करो जिन्हें नहीं देखी है, एक हमारा डिक्टेटर कोई साउथ की कंट्री साउथ बोल रहा हूँ साउदी वाउदी कहीं का डिक्टेटर रहता है, वो अमेरिका में आ जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस होने लगती है, बहुत ही कॉमेडी तरीके से दिखाया गया है डिक्टेटर, बहुत अच्छी मूवी है। डॉन जॉन, ओए होए होए भाई डॉन जॉन क्या बोलूँ मूवी के बारे में, इतनी अच्छी लगती है मेरे को मूवी, स्कारलेट जॉनसन ने जबरदस्त एक्टिंग करी है और मस्त पिक्चर है डॉन जॉन, मतलब ये डॉन जॉन हैंगओवर डिक्टेटर ये ऐसी मूवीज है भाई अपने यारों के साथ बैठो रात में मूवी नाइट वाइट में देखो डॉन जॉन। आया है द इंटरव्यू एक बहुत बड़ा सरप्राइज था यार मेरे को, एक दोस्त ने लाइक मैंने इसको स्टोरी प्रीमाइस सुना था और फिर मेरे को एक दोस्त ने भेजी थी, समझ लो एक मूवी के बारे में क्या बताता हूँ, दो अमेरिका के जर्नलिस्ट नॉर्थ कोरिया जाते हैं
किम जोंग का इंटरव्यू करने। तो भाई फिर सोचा अब क्या धमाल होने वाला है, किम जोंग का इंटरव्यू करने अमेरिका से जा रहे हैं। ओ भाई जबरदस्त मूवी है, बहुत मजा आएगा देखने में। यस मैन भाई, यस मैन है हमारी जिम कैरी की मूवी, और जिस मूवी में हमारे जिम कैरी सर होते हैं एक्टिंग में कुछ वो नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो बेस्ट हैं, कॉमेडी में भी वो बेस्ट हैं। सो प्लीज़ यस मैन देखो, छोटी मूवी है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आई गेस 1.5 घंटा लंबी है, मस्त मज़ेदार है यस मैन मूवी। चमन बहार हमारे जीतू भैया को कैसे भूल गए हम। चमन बहार का एक थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगता है, थोड़ी सी लंबी लगती है मेरे को मूवी, थोड़ी सी शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन एक अच्छी टाइम पास के लिए देखनी हो तो देख सकते हो भाई। रोम कॉम हो गया, कॉमेडी, एक्शन, साइंस फिक्शन सब हो गया, सीरीज़ कब बोलेगा। आ गया ना भाई तुम्हारी सीरीज़ के लिए, वेब शो वालों के लिए। देखो यार मैं बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ यहाँ रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, मनी हाइस्ट, ब्रेकिंग बैड, फ्रेंड्स और ब्रुकलिन 99, नारुतो, ये जो बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ है ये लोग नहीं देख पाओगे यार, तुम 2 दिन का ही टाइम है। लेकिन छोटी वेब सीरीज जो ख़त्म कर सकते हो उनको मैं यहाँ लाया हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स, बहुत लोग बोलेंगे भाई आप स्ट्रेंजर थिंग्स के तो 3 सीज़न है। आई नो भाई 3 सीज़न है, लेकिन एक बार चालू तो करो, सीज़न 1 देखो। अगर बहुत लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा डाइसी सिचुएशन, सीज़न 1 देखो, 10 एपिसोड से बहुत मज़ा आएगा देखने में। सीज़न 1 तो देखो, मैं कहूँगा 2 या 3 के लिए अगर टाइम ना मिले, लेकिन प्लीज़ वॉच सीज़न 1। वॉकिंग डेड, आय हाय मेरे दिल के बहुत करीब है वॉकिंग डेड, मेरे को जॉम्बी से अलग प्रेम है पता नहीं क्यों, और मेरे को रिक ग्राइम्स से भी बहुत प्रेम है। रिक ग्राइम्स और डैरल डिक्सन 2 कैरेक्टर्स हैं वॉकिंग डेड में, देखना चालू करोगे तो तुमको भी प्यार हो जाएगा उन दोनों कैरेक्टर्स से। वॉकिंग डेड का सीज़न 1 इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, सिर्फ 6 एपिसोड्स हैं सीज़न 1 में, इसलिए अगर जॉम्बी वेब सीरीज़ में कुछ ट्राई करना चाहते हो ना, गो एंड वॉच वॉकिंग डेड, क्योंकि भाई वॉकिंग डेड का लेवल यहाँ है। हर कोई बोलता है भाई वॉकिंग डेड के लेवल की मूवी है, तो बता सोचो वॉकिंग डेड की कितनी हाइप है, और बहुत अच्छी वॉकिंग डेड। बहुत मैं वॉकिंग डेड को इतना पसंद करता हूँ, भावनाओं में बह जाऊँगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। क्वींस गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, चेस के गेम के ऊपर है ये बेस्ड। एक लड़की दिखाई है जो बचपन से चेस खेलती है, तो क्या चेस उसकी लाइफ को अच्छा बनाता है या उसकी लाइफ को और बेकार बना देता है, वो तुमको जब सीरीज़ देखोगे तभी पता चल जाएगा। डेली क्राइम, डेली क्राइम मैं सबको बोलूँगा प्लीज़ वॉच डेली क्राइम, 10 एपिसोड्स ही हैं इसके, एंड ये निर्भया केस के पीछे की पूरी इन्वेस्टिगेशन दिखाई है, कैसे सारे पुलिस ऑफिसर्स और सब ने इन्वेस्टिगेट करके ढूंढा था इन बुरे लोगों को जिनने गलत काम करा था। वॉच डेली क्राइम। और भैया थोड़ा सा अगर क्या बोलते हैं डिटेक्टिव वगैरह देखते हैं तो शर्लॉक से बेहतर और क्या है यार। शर्लॉक के 4 सीज़न आ चुके हैं, लेकिन 4 सीज़न में टोटल एपिसोड्स ही 14 हैं। पहले सीज़न में 3, दूसरे में भी 3, तीसरे में 4, और चौथे में 3, तो सिर्फ 14 एपिसोड्स हैं पूरे 4 सीज़न में, तो देख सकते हो शर्लॉक एक अच्छा रहेगा। फिर है भाई जमतारा, जमतारा बहुत एक सरप्राइज था मेरे लिए भी। जमतारा के बहुत छोटे छोटे 10 एपिसोड्स है 20-20 मिनट के, बहुत मज़ेदार है। कैसे दिखाता है कि जमतारा शायद यूपी में कहीं पे है, वहाँ के लड़के कैसे स्कैम करते थे और कितने बड़े बड़े भाई 2-2, 3-3 लाख रुपये निकाल लेते थे एक बार में अकाउंट से, बहुत अच्छे से दिखाएगा। और इसमें भी भाई हमारे अमित सियाल हैं, उनने यहाँ भी बहुत अच्छा रोल करा है अमित सियाल ने। सो देख सकते हो जमतारा, छोटी वेब सीरीज़ है, मज़ेदार वेब सीरीज़ है। अगली है बेताल, बेताल को मैं जॉम्बी में रिकमेंड कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा यहाँ भी रिकमेंड करूँ। अगर भाई सोच रहे हो ना यार थोड़ा डाइसी है सिचुएशन, भाई बेताल देखो, जॉम्बी भी है यहाँ पे, 4 एपिसोड की सीरीज़ है भाई, 4 एपिसोड पता भी नहीं चलते ख़त्म कब होते हैं। गो एंड वॉच बेताल, बहुत मज़ेदार है। यू देख सकते हो यार, यू मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो भी थी यू सीज़न 1 का रिव्यू, नहीं देखा है तो जाओ चैनल पे देख लो। यू सीज़न 1 एक साइकोटिक थ्रिलर है, 2 सीज़न आ चुके हैं 10 एपिसोड्स ईच, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा भाई फर्स्ट सीज़न तो देखा, बहुत मज़ेदार है। मैं तो पता है इसके नाम से ही बहुत फैंटेसाइज होकर देखी थी, यू कैसा नाम है, और मैं एकदम ना मेरे को स्टोरी का प्रिमाइस पता था ना कुछ पता था, मैंने देखना चालू कर दी थी यू, और इतनी पसंद आई मेरे को। और मैं था मैंने मेरे एक दोस्त को रिकमेंड करी थी अश्विन को, और मैं शायद एपिसोड 6 पे था है ना जब मैंने उसको रिकमेंड करी, एंड उसने मेरे से पहले पूरे 10 एपिसोड देख डाले थे, उसको इतनी अच्छी लगी। सो प्लीज़ वॉच यू, बहुत सरप्राइज है भाई यू, मस्त मज़ा आएगा। ऑब्सेशन दिखाएंगे, एक तरफा प्यार की ताकत क्या होती है, ऑब्सेशन, डर, शाहरुख खान की याद आ जाएगी। और भाई लॉक एंड की नहीं देखी है तो क्या देखा है तुमने साइंस फिक्शन वालों। लॉक एंड की का एक ही सीज़न आया है, 10 एपिसोड्स हैं और बहुत ही हटके हैं लॉक एंड की, और अगर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, और अगर लॉक एंड की पसंद नहीं आई ना चैनल बंद कर दूंगा, चैनल बंद नहीं करूँगा, नाम बदल दूंगा है ना। लॉक एंड की का चलो थोड़ा सा स्टोरी प्रेमाइज देता हूँ, लॉक एंड की अलग अलग चाबियाँ हैं एंड हर चाबी का अलग कुछ काम है,
यानी एक होती हेड की, हेड की को तुम अपने पीछे डालोगे तो तुम अपने दिमाग के अंदर जा सकते हो, मेमोरीज हटा सकते हो। एक होती है एनीवेयर डोर की, डोरेमोन टाइप की, कि उसको किसी भी डोर के अंदर घुमाओ और तुमने कहीं भी जा सकते हो पूरी दुनिया में। वही अलग अलग चाबी के अलग अलग तरीके हैं। और यहाँ ऑब्वियसली भाई, जब अच्छी चाबियाँ हैं तो एक विलन भी आ जाती हैं चाबियाँ जमा करने के लिए, और बच्चे लड़ते हैं उनसे सारे ऑब्वियसली। जो बहुत ही अच्छी भाई लॉक एन की, बहुत मज़ेदार है, नहीं देखी है तो जाओ लॉक एन की तो देखो, है ज़रूर लॉक एन की देखो, लॉक एन की देखो। नेवर हैव आई एवर, आई है क्या प्यारी मूवी वेब सीरीज़ यार, 10 एपिसोड्स की, नेवर हैव आई एवर, बहुत ही क्यूट वेब सीरीज़ है, रोम कॉम है ये। और हमारी एक इंडियन गर्ल की स्टोरी प्रीमाइस दे रहा हूँ, एक इंडियन गर्ल अमेरिका में पढ़ती है, सो उसको क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, उसका परिवार दिखाया कि इंडियन परिवार कैसा होता है, थोड़ा सा लाइक बाहर रात को घूमना नहीं है, लड़कों के साथ ज़्यादा घूमना नहीं है, सो बहुत ही वैसा दिखाया। और यहाँ लड़की को एकदम लौंडों के संग घूमना है यार, मस्ती मज़ा करना है। मैत्री रामाकृष्णन ने बहुत प्यारी एक्टिंग करी है यार देवी की, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रोल, और मैत्री रामाकृष्णन भी बहुत अच्छी लगती हैं वो रोल में, सो बहुत अच्छा है। नेवर हैव आई एवर एक अच्छा ऑप्शन है अगर देखना चाहते हो। लेकिन ये सारी सीरीज़ में मैं कुछ कहूँगा, प्लीज़ वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 देख लो, वॉकिंग डेड का देख सकते हो, जमतारा देख सकते हो, शर्लॉक देख सकते हो, बेताल देख सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं। और लॉक एंड की प्लीज़ यार, लॉक एंड की तो देखो यार अगर नहीं देखी है, प्लीज़ प्लीज़। भाई सब कुछ हो गया, एनीमे कब आएगा भाई? आ गया ना यार तुम्हारा एनीमे भी, आ गया यार, क्यों तब हो रहे हो? चलो यार एनीमे की यार बहुत लोग डाइसी रहते हैं यार कि भाई एनीमे चालू करूँ कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एनीमे का इतना अभी हाइप उड़ा था, मेरे भी बहुत पीयर्स लोग देखने लगे थे एनीमे। तो यार थोड़ी छोटी एनीमे बताता हूँ, जो अगर स्टार्ट करना है एनीमे, कुछ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। डेथ नोट है, प्रॉमिस नेवरलैंड है, ये दो छोटे एनीमे हैं। अगर एनीमे स्टार्ट करना है, एनीमे की दुनिया में कदम रखना है ना, सो वॉच, स्टार्टिंग में थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन अगर एक बार देखना चालू कर दोगे तो बहुत अच्छी है एनीमे यार। थोड़ी लंबी एनीमे जो है उनके बारे में बता देता हूँ, अगर देखना है तो देख सकते हो। नारूटो है, नारूटो, वन पंच मैन, हंटर एक्स हंटर, बेब्लेड है, यादें ताज़ा कर देता है बेब्लेड, पुरानी यादें एकदम बचपन में ले जाता है। बाकी है ब्लैक क्लोवर है, बहुत अच्छे एनिमे हैं यार ये सारे। सो अगर देखना चाहते हो ना, स्टार्ट फ्रॉम डेथ नोट एंड प्रॉमिस नेवरलैंड, एनिमे की दुनिया में कदम रखना है तो देखो यार। सो गाइस यार सारे जॉनर हो गए, लेकिन थोड़ा सुपर हीरो वालों के लिए भी बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सुपर हीरो में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बात कर सकता हूँ। एक्वामैन है, बहुत अच्छी एक्वामैन, भाई जेसन मोमो ने जबरदस्त काम किया, और एक्वामैन ही मूवी है जिसने डीसी की जो गाड़ी थी वापस पटरी पे आई है। तो एक्वामैन देख सकते हो, शेजैम देख सकते हो, और मार्वल ये था डीसी का, शेजैम बहुत अच्छा है, कॉमेडी में भी मैंने उसको इंक्लूड करा था, अब ये हो गया डीसी का। अब भाई मार्वल की थोड़ी बात कर लेते हैं। मार्वल में भाई वेब शोज़ भी इनने क्रिएट करा है, इनने सोचा हर जगह से अपने यूनिवर्स बनाएंगे, वेब शो वाला भी। भाई मार्वल्स में देख सकते हो द डिफेंडर्स है, जेसिका जोन्स है, एंड डेयर डेविल है, आयरन फिस्ट भी शायद अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, ये देख सकते हो। डेयर डेविल बहुत अच्छा है, जेसिका जोन्स भी बहुत अच्छा है, डिफेंडर्स भी बढ़िया, डिफेंडर्स भी बढ़िया, जो पहले आता था शायद डिज्नी पे भी एक शो, लाइक उसमें ल्यूक केज हमारे सुपरनोवा, स्पाइडरमैन, बहुत स्पाइडरमैन हाँ उनका लीडर ऐसा था, वाइट टाइगर ऐसा कुछ था, डिफेंडर्स, आयरन फिस्ट भी है उनके ग्रुप में, और आयरन फिस्ट भी शायद नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मैं इतना श्योर तो हूँ, श्योर हूँ शायद मैं है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। सुपर हीरो वालों ये देख सकते हो यार, तुम कुछ भी उठा के देखो। जेसिका जोन्स भी बहुत अच्छी, विलन बहुत अच्छा है जेसिका जोन्स का। उफ भाई बहुत रिकमेंडेशंस हो गई हैं, और मैं वही एंड में भी यही कहना चाहूँगा, देखो यार किसी पे अपने दोस्त वोस्त पे मत जाना वो क्या देख रहा है, जो तुम्हारा मन करता है, जो जॉनर तुमको पसंद है, वेब शो, एनीमे, हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी, रोम कॉम, जो पसंद है तुम्हें, जो पसंद है वो देखो, है ना। और ऐसा नहीं, प्लीज़ इस लिस्ट में मैंने मूवीज़ बताई जो आप देख सकते हो, फिर उसमें आपको यार कट शॉर्ट करके देखना ये मेरे को देखनी है, ऐसा करके देख लो, वरना भाई ये भी देखूंगा, ये भी देखूंगा, तो बहुत सारी मूवीज़ के चक्कर में ना एक भी नहीं देख पाओगे। सो प्लीज़ क्वालिटी कंटेंट देखो, 2 दिन के लिए नेटफ्लिक्स मिला है, अच्छे से उसको यूज़ करो, और सब्सक्रिप्शन लेना है तो ले लेना। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, देन आफ्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यही नहीं अभी और सुनिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग गई है मेरे को वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, देन आफ्टर और वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, उनको भी थोड़ा अच्छा रिकमेंडेशन दो मेरी वीडियो को शेयर करके, उनको अच्छा से पता चल जाएगा। अपने परिवार में वीडियो को शेयर करो, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, चाचा मामा ताई फूफा जिसको भी व्हाट्सएप पे, जितने लोगों के साथ जुड़े हो अपनी क्रश को भेज दो,
अपनी एक्स को भेज दो, जिसको भी वीडियो भेजनी है भेज दो, शेयर करो मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो। तब तक के लिए यार, मेरा नाम है रजत पवार एंड आई एम साइनिंग ऑफ। उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा, ये उभर करके बाहर आ रही है।